दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि यार चेहरे पे साबुन क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि स्किन पर साबुन लगाने से पीएच लेवल बिगड़ सकता है। दोस्तों जब इंसान की स्किन का जो पीएच लेवल होता है वो 4 से 65 के बीच होता है, तब जब हमारी स्किन बहुत ऑयली होती है। और वही दूसरी ओर मैं बात करूँ तो साबुन अत्यंत क्षारीय होता है, इसलिए यदि आप अपनी स्किन पर साबुन का यूज़ करते हैं तो ये इसके पीएच संतुलन और एसिड मेंटल के साथ खिलवाड़ करता है, जिससे आपकी स्किन की जो कंडीशन होती है वो खराब हो जाती है और ये आपकी स्किन पर बुरा असर पड़ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि साबुन आपकी स्किन को ड्राई कैसे बनाता है। भले ही आपकी स्किन ऑयली हो लेकिन आपको स्किन पर साबुन का यूज़ करने से बचना है। साबुन के नेचुरल ऑयल जो साबुन होता है वो स्किन के नेचुरल ऑयल को छीन लेता है और इसे ड्राई बना देता है। यह आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो विशेष रूप से ऑयली स्किन के लिए आप फेस वॉश का यूज़ करें। जो फेस वॉश होता है आपकी फेस की डस्ट को और ऑयल को दूर करने का काम करता है और अपने चेहरे को साबुन से धोना यानी कि डिशवॉश लिक्विड या डिटर्जेंट से धोने जैसा है। और दोस्तों यहाँ पे जो साबुन है एक सॉयल फ्लोवर सोप, ये जो साबुन होता है कि जरूरी नहीं है कि यार हर साबुन आवश्यक रूप से स्किन के लिए हानिकारक हो। कुछ साबुन ऐसे भी होते हैं जिनमें जड़ी बूटियों का यूज़ किया जाता है, एलोवेरा का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सॉयल फ्लोवर साबुन है जो कि हैंडमेड और ऑर्गेनिक होते हैं। विशेष रूप से ये जो सोप होते हैं वो चेहरे के लिए ही बनाए जाते हैं, तो दोस्तों जो आपकी स्किन को नरम और फ्रेश बनाए रखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि यार स्किन पे साबुन करने से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ये खासकर चेहरे को वॉश करने के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों यार अब आपको पता चल गया होगा कि यार स्किन पे साबुन का यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जब भी यार हम कोई वीडियो अपलोड करें तो यार उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।